डिलीवरी मैन कुछ सामान डिलीवर करने के लिए एक घर में गया। दरवाजा एक लड़की ने खोला और सामान लेने के बाद लड़की ने डिलीवरी मैन से पूछा, बाहर बहुत गर्मी है, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? डिलीवरी मैन पसीने से तर था तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की पानी लेने गई और डिलीवरी मैन ने सोचा कि ये कितनी नेक और अच्छी लड़की है। लड़की 10 मिनट तक नहीं आई और डिलीवरी मैन ने सोचा कि अगर पानी पिलाना ही नहीं था तो पूछा ही क्यों। लेकिन जैसे ही लड़की वापस आई तो उसने कहा, मुझे माफ करना, थोड़ी देर हो गई, मैं आपके लिए पानी की जगह शिकंजी बना रही थी। डिलीवरी मैन ने फिर सोचा कि कितनी नेक और अच्छी लड़की है। फिर जैसे ही डिलीवरी मैन ने शिकंजी पी तो उसमें मीठा था ही नहीं, तो उसने सोचा कि कैसी बेवकूफ लड़की है, शिकंजी फीकी कौन पिलाता है। फिर उसी समय लड़की ने पुड़िया खोली और कहा, इसमें से जितनी चीनी आपको डालनी है डाल लीजिए, कहीं आपको डायबिटीज ना हो इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली। डिलीवरी मैन ने सोचा, वाह कितनी नेक लड़की है। तो दोस्तों, हमारी सोच इतनी जल्दी जल्दी बदलती है कि हम सामने वाले को समय ही नहीं देते कि वो अच्छा है या बुरा है।